दोस्तों आज के वीडियो में आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ हजरत पीर बाबा की एक ऐसे रहस्यमय दरगाह से जहाँ पे मतलब दोस्तों आज तक कोई भी नहीं जानता। दोस्तों ये एक ऐसा अल्लाह की वली है जहाँ पे अगर आप हरा कलर का अगर मन्नत का अगर धागा या मन्नत का कुछ भी मतलब हरे कलर की जो लीरी होती कपड़े की अगर आप बांधोगे हरा कलर का तो यहाँ पे मन्नत और मुराद जल्दी से जल्दी पूरी होती है। अभी आपको अंदर जाएंगे, दीदार कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे और पूरा नज़ारा दिखाएंगे। अभी दोस्तों मैं मौजूद हूँ जयपुर से 40 किलोमीटर दूर मतलब मनोहर नगर जाने वाले हाईवे पर अभी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर एक ऐसे अल्लाह के वली की पीर बाबा की मजार शरीफ है दोस्तों जहाँ पे सभी की मन्नत और मुरादें यहाँ पे पूरी होती है। जैसे कि अभी आप पीछे भी देख सकते हो, अभी पूरा मैं आपको नीचे से ऊपर तक का भी रास्ता बताऊंगा और अंदर जाके दीदार भी कराऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा आपको कि हरे कलर के जो कपड़े होते हैं उसको मन्नत के रूप में यहाँ पे बांधा जाता है। आपकी जो भी मन्नत और मुराद होती है उसको हरे कलर के कपड़े के रूप में बांधा जाता है। आपके ऐसा बताया जाता है कि अगर आप हरे कलर का अगर कपड़ा लेकर के कोई भी मन्नत मांगते हो यहाँ पे बांधोगे तो आपकी मन्नत और मुराद जल्दी से जल्दी पूरी होगी। तो चलिए दोस्तों आज आपको लेकर के जाता हूँ अंदर, आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, दीदार कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए बैक कैमरे चलते हैं, आपको नज़ारा दिखाते हैं, दीदार कराते हैं आगे का। चलिए दोस्तों अब आपको आगे लेकर के जाते हैं और आगे से भी आपको पूरा सीन दिखाएंगे। अभी आप देखिए अभी हम नीचे की ओर मौजूद है और यहाँ पे अभी जो मनोहर नगर जाने वाला हाईवे वहीं पे ये अल्लाह के पीर वली आराम फरमा रहे। अभी ऊपर से भी आपको पूरा दीदार कराएंगे, पूरा नज़ारा दिखाएंगे। पहले आपको यहाँ से पूरा घुमा करके पूरा सीन दिखा देते हैं किस प्रकार का नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर कई पीर अल्लाह के वली आराम फरमा रहे, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर पेड़ के ऊपर कई जगह आपको ऐसे नज़र आएगा जो हरे कलर की जो चादर होती है हर पेड़ के ऊपर यहाँ पर नज़र आएगी। अभी हम पूरा ऊपर तक गए थे, ऊपर तक भी हमको कई ऐसे पेड़ नजर आए जिनों के ऊपर आपको चादर हरे कलर की चादर यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आप यहाँ देखिए, और दोस्तों यहाँ पे यही है, अगर आप हरे कलर का कपड़ा मन्नत के रूप में अगर बांधोगे तो आपकी मन्नत और मुराद जल्दी से जल्दी पूरी होगी। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्होंने हम यहाँ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करी लेकिन वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए, सिर्फ उनको इतना मालूम है कि हजरत पीर बाबा के नाम से इन्हों को जाना जाता है। तो अभी आपको पीर बाबा की दरगाह शरीफ पे ज़ियारत कराएंगे, दीदार कराएंगे। अभी ऊपर तक जाएंगे हम, एक पहाड़ी का पूरा टीला है, पहाड़ी के टीले के ऊपर ये हजरत पीर बाबा आराम फरमा रहे हैं। अभी आप ये पूरा नज़ारा देखिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया सीन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप ये पूरा नज़ारा देख सकते हो। अभी हम जो सीढ़ियाँ है, अब सीढ़ियों के ऊपर से जाएंगे, ऊपर तक जाने के लिए जो पहाड़ के ऊपर जो अल्लाह के वली की मजार शरीफ मौजूद है वहाँ तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बना रखी है। दोस्तों काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। अभी यहीं से अभी हम ऊपर जाएंगे और दोस्तों आप ये पूरा सीन देख सकते हो कितना प्यारा। और आप सामने देखिए जो दरगाह शरीफ है वो ऊपर की ओर मौजूद है। अभी वहीं जाएंगे और वहाँ का भी आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे, दीदार कराएंगे। दोस्तों आप सभी को मालूम है अपने चैनल पर अल्लाह के वलियों की मजार शरीफ की दरगाह शरीफ की वीडियो आती रहती है। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। दोस्तों यहाँ के बारे में बताया जाता है कि सभी की जो बड़ी से बड़ी मन्नत और मुराद है सभी की पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो अल्लाह के वली है इन्हों की जो दरगाह शरीफ है, जो मजार शरीफ है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज आप सिर्फ इस वीडियो के जरिए यहाँ पे दीदार कर सकते हो, ज़ियारत कर सकते हो। अगर आपका मनोहरपुर हाईवे पर अगर आना हो, अगर जयपुर आते हो तो आप मनोहरपुर हाईवे पर ज़रूर आना। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर ये दरगाह शरीफ मौजूद है जो कि हजरत पीर बाबा के नाम से जानी जाती है और एक पहाड़ी के ऊपर है। दोस्तों आप सभी को मालूम है अपने वीडियो में आपको ऐसे ही अल्लाह के वली की ज़ियारत होती है जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, कई लोग तो जा भी नहीं पाते, लेकिन आप मेरे वीडियो के जरिए ऐसे दीदार कर सकते हो। दोस्तों यहाँ देखिए एकदम ऐसा लग रहा है आसमान के अंदर ये जो बादल है, बादल के अंदर ये दरगाह शरीफ मौजूद है। आपको देखने में कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखेगा जो आपको आसमान है दरगाह शरीफ से एकदम मिलता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी प्यारा यहाँ पे आपको मंजर, काफ़ी प्यारा सीन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ देखिए आपको हर जगह यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के ऊपर यहाँ पर जो हरे कलर की चादर होती है, झंडे होते हैं, वो आपको लगे हुए यहाँ पर मिलेंगे। और इन्हीं पे से कई लोग तो फाड़ करके अंदर जो धागा धागा जैसे मन्नत का धागा बांधा जाता है, वैसे ही हरे कलर का जो कपड़ा है वो मन्नत और मुरादों के रूप में यहाँ पे बांधा जाता है। आप यहाँ देखिए दोस्तों कितना प्यारा, काफ़ी खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलेगा हजरत पीर बाबा की। अभी आप दरगाह शरीफ की ज़ियारत कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी मन्नत और मुरादें यहाँ पे पूरी हुई है। आसपास के जो रहने वाले गांव वाले लोग हैं, गांव है यहाँ पे दोस्तों पूरी, और आपको दिखाएंगे अभी थोड़ा दरगाह शरीफ के पीछे से भी। पहले आपको यहाँ पर दीदार करा देते, ऊपर का नज़ारा दिखा देते। दोस्तों यहाँ पर पानी की एक बाल्टी भी रख रखी है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो वजू भी कर सकते हो, हाथ वगैरह धो के आप अंदर यहाँ पे जा सकते हो। ये पूरा नज़ारा देखिए,
अभी ऊपर की ओर मैं मौजूद हूँ। ये ऊपर का मैं आपको सीन दिखा रहा हूँ और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी पेड़ के ऊपर कई हरे कलर की जो चादर होती है, झंडे होते हैं, वो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब अंदर जाते हैं और आपको पीर बाबा की ज्यारत कराते, दीदार कराते, पूरा नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और यहाँ पर कौन कौन आ चुका है, कमेंट पर ज़रूर लिखना। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना आप जो भी यूज करते हो, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो दोस्तों ये नज़ारा देखिए अभी किस प्रकार से यहाँ पे चारों ओर जो आस्थाना मुबारक बना रखा है, यहाँ पे लोहे की जाली यहाँ पे लगा रखी है। और दोस्तों अंदर आप नवाज भी अदा कर सकते हो, यहाँ पे मस्जिद भी बना रखी है। अभी आपको पहले थोड़ा मैं घुमा करके दिखा देता हूँ पूरा सीन किस प्रकार का नज़ारा है चारों तरफ से। दोस्तों मैं घुमा करके पूरा सीन दिखा देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दीदार कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे। अभी आप देखिए यहाँ पे दोस्तों अभी जो दरगाह शरीफ का काम है वो चल रहा है, आरसीसी का पूरा काम यहाँ पे लगा हुआ है। और थोड़ा देखिए काम अभी यहाँ मतलब चल ही रहा है। और ये देखिए दोस्तों चारों तरफ से यहाँ पे जो छोटा मोटा आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये गाँव है, यहाँ पे खेत वगैरह है पीछे, जो भी ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हो। और दोस्तों पहाड़ का काफ़ी अच्छा है, जो आसमान का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। और यहाँ पे चिराग रोशन करने के लिए भी कई सारी जगह, और यहाँ पर अगरबत्ती भी आप कर सकते हो, अगरबत्ती स्टैंड भी अभी दिखाएंगे आपको। और ये थोड़ा काम है यहाँ पे रोक दिया गया है अभी, लेकिन आरसीसी का पूरा काम यहाँ पे हो रहा है। अभी आपको दिखा रहे किस प्रकार से यहाँ पे जो मन्नत और मुरादों के यहाँ पे धागे, मन्नत और मुरादों के यहाँ पे जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे बंधे हुए हैं। आप देखिए दोस्तों हर जगह आपको हरे कलर के जो मन्नत के जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पे बंधे हुए। और नीचे भी हमें जिन्हों जो गांव वाले उनसे हमने जब बात करी तो उनने भी यही बताया कि जो हरे कलर के अगर कपड़े हम बांधते हैं तो हमारी मन्नत और मुरादें यहाँ पे जल्दी पूरी होती है। और हजरत पीर बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो अभी आप दीदार करिए, ज़ियारत करिए, ये पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर ऊपर तक पहुँच चुका हूँ और अभी आप यहाँ पर दीदार करिए, ज़ियारत करिए हजरत पीर बाबा के। और दोस्तों ये एक बार मैं आपको फिर से एड्रेस बता देता हूँ, ये जयपुर से जो मनोहरपुर जाने वाला हाईवे है, जयपुर से 40 किलोमीटर दूर है ये, और आप मनोहरपुर से आते हुए भी यहाँ पे दीदार कर सकते हो। तो ये पूरा नज़ारा देखिए किस प्रकार का ये पूरा सीन है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप जो भी यूज करते हो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना।